गाइस मैं आ चुका आज एक नया वीडियो लेके। आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक ग्लेंडर। जी हाँ गाइस, ये ग्लेंडर तो आपको पता ही होगा बहुत महंगा आता है और ये बड़े बड़े काम कर दे। अगर आप भी चाहते हो कि छोटा मोटा काम करना और इतना रुपए खर्च ना करना, तो गाइस मेरे बात सुनिए। आप लोग ये एक डीसी मोटर जो 12 वोल्ट का डीसी मोटर होता है, तो इससे ही आप गाइस, जी हाँ, इससे आप बना सकते हैं एक अच्छा ग्लेंडर। सिर्फ 500 रुपए का खर्चा बैठेगा और आप लोग पीवीसी पाइप हो या पतला प्लाई हो या फिर छोटा मोटा लकड़ी वगैरह सब काट सकते हैं। जी हाँ गाइस, एकदम बढ़िया बनता है। तो गाइस चलिए हम लोग ये प्रोजेक्ट चालू करते हैं और गाइस वीडियो को स्किप मत करना, बहुत मजा आने वाला है। चलिए चालू करते हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट में जो जो जरूरत वाली चीज है वो है एक डीसी मोटर जो 12 वोल्ट का है, और इसमें देखिए मैंने एक नट काट के इसमें लगा दिया है। ये भी क्या काम में आएगा वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और ये गाइस एक स्विच जो ऑन ऑफ का काम करता है, और ये जो ट्यूब बल्ब जो कुछ ऐसा था तो मैंने काट के ऐसा बना दिया। और इसमें देखिए गाइस एक रिपिल डाला है मैंने। ये जो रिपिल है वो ये डीसी मोटर कनेक्ट करने का काम आएगा इस तरीके का। और फ्रेंड्स ये देखिए दो चीज़ मैंने और भी बनाया, ये दो चीज़ के लिए कुछ काम है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये हैंडल बनाया, ये छेद किया, कैसे किया, क्या किया, और गाइस ये सब DM कर देना या फिर कमेंट कर देना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। अगर आपको इस चीज़ की नीड हो तो ही बताना। गाइस चलिए हम लोग ये सबको फिटिंग करते हैं। और साथ ही साथ है कि आयरन की भी जरूरत पड़ेगी, वो तो आपको पता ही होगा, गाइस होल्डिंग करने के लिए चाहिए होता है। चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फाइनली आप देखिए गाइस मैंने पूरा अच्छे से कनेक्शन कर दिया है और ये पीछे से वायरिंग भी कर दिया है। ये ऑन ऑफ का बटन हो गया और मैंने ये चीज़ आपको दिखाया था कि ये चीज़ क्या करना है, कि ये चीज़ को इस तरीके से फिट करना है। और इस पर ये मैंने इसको बनाया है, ये गाइस पूरा फिनिशिंग था तो मैं इसको कट कट लगाया जिससे कि मैं PVC पाइप को अच्छे से काट सकता हूँ। आप गाइस ब्लेड का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये देंगे, ये इसका सपोर्ट है, आप समझ गए होंगे इसलिए क्या बनाया था। इसको इस तरीके से टाइट कर देंगे, दिया है। अब बारी इसको चलाने का। गाइस इसमें आप कुछ अगर प्रोटेक्शन देना चाहते हो तो दे सकते हैं, हमने गाइस दिया नहीं है। और सेफ्टी ज़रूरी होती है गाइस, आपको भी पता है, हमें पता है। बुलेट खुल के अपने बॉडी में भी लग सकता है, तो आप लोग लगा लेना गाइस। अगर लगाना नहीं आता तो कमेंट कर देना मुझे, तो मैं उसी पे एक मस्त तरीके से ये ग्लेंडर मशीन को पूरा प्रोफेशनली बना के दिखाऊंगा। ये जुगाड़ वाला है तो आप लोग गाइस बना लेना। तो आप इसको बारी चलाने का, चला के देखते हैं और कुछ कटिंग करके भी देखते हैं। ये गाइस ये चालू हो चुका है और ये है प्लास्टिक का ढक्कन जो हम आपको अभी काट के दिखाने वाले हैं। देखिए गाइस किस तरीके से कट रहा है, जबरदस्त कट रहा है। देखिए गाइस कितनी आसानी से हमने काट दिया है इसको। अब गाइस अगर हम इसको घिसना चाहते तो घिस भी सकते हैं। ये देखिए गाइस इसको बराबर करने के लिए, ठीक
कितना बढ़िया तरीके से हमने काट दिया है, इतना बढ़िया तरीके से। इसी प्रकार आप कुछ भी काट सकते हैं जो इसके कैपेसिटी में अच्छा हो, क्योंकि गाइस 12 वोल्ट का डीसी मोटर है, उतना गाइस इसमें टॉर्क होता नहीं है। अब इसमें बड़ा वाला जो डीसी मोटर होता है वो लगा के भी आप लोग बना सकते हैं, उसमें ज़्यादा टॉर्क होता है। पर गाइस इसको भी हम काट के दिखा सकते हैं आपको, तो इस बार आपको काटूंगा नहीं, अगले बार काट के दिखाऊंगा। कमेंट करना कि ये भी काट के दिखाओ या नहीं। गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर करना, और साथ ही साथ इस तरीके का वीडियो मिले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।